करती हूँ, आप सब खैरियत से होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो गया है सैरी का, मैं उठ चुकी हूँ। मैंने सैरी बना ली है और ये सैरी में मैंने आज पराठे ये सालन गर्म किए हैं, चाय है, बस आई लस्सी मैंने नहीं बनाई क्योंकि कल भी लस्सी की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया था। इसलिए जो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वेलकम बैक टू द न्यू। सुबह हो चुकी थी, हम उठ गए थे, घर का सारा काम मैंने कर लिया है, साफ सफाई कर ली है घर की, और ये कपड़े भी मैंने धो के रख दिए हैं बाहर, सहन की भी मैंने सारी सफाई कर ली है। कपड़े प्रेस करने वाले थे, 2-3 दिन हो गए प्रेस नहीं किए थे, वो भी सारे मैंने प्रेस करके रख लिए हैं। और अब दोपहर का टाइम हो रहा है तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद आपको किचन में मिलते हैं। हम नमाज़ पढ़ने लगे, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। अब हम आ चुके हैं किचन में, यहाँ पे मैंने प्रेपरेशन कर दी है। आई मैंने भाभी लोगों को, मतलब मेरी बाजी है ना, बड़े जेठ जेठानी, उनको मैंने तैयारी के लिए ऊपर बुलाया कि मैंने बोला आज मेरे घर आप रोज़ा खोलेंगे, उसके लिए मैंने ये पोटैटो और चिकन की कट बॉल्स बना ली हैं। फ्रूट चाट भी मैंने बना के रख ली है और मैंने ये मसाला बैटर भी पकौड़ों का रेडी कर लिया है। पालक आलू और प्याज वाला बैटर आई मैंने बनाया है। यहाँ पे चने की चाट मैंने सिर्फ करके रख दी है, बाद में इसको मैं फिनिश करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। ये मैंने चीनी भी घोल के रख ली है इसके अंदर, या मिशीरी भी डाल के रख ली है, पानी हम एंड में डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने टैंग भी घोल के रख ली है और शाम में इस पर पानी डालेंगे। साथ में थोड़ा सा यखनी पुलाव भी बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने चिकन भी निकाल के रख ली है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी और टमाटोस भी चॉप करके रख ली है। और यहाँ पे मैंने प्याज भी चॉप करके रख ली है और यहाँ पे मैंने चावल भी निकाल ली है और फिर आपको मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी यखनी पुलाव की। मौसम बैर काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा तो चल रही है, अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। और आप सुनाएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। सब्ज़ी वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, सब्ज़ी वाला अभी तक नहीं आया। हरी मिर्ची और हरा धनिया लेना था, जब भी सब्ज़ी वाले को ज़रूरत होती उस टाइम वो आते नहीं हैं और आगे पीछे आवाज़ें लगा रहे होते हैं। चलें फिर आपसे मिलते हैं। मैं खाना खा रही है और साथ टीवी भी देख रही है अपने कार्टून्स और साथ खाना खा रही है। आयजा क्या कर रही हैं आप, क्या खा रही हैं आप? पापा कहाँ हैं आपके? पापा कहाँ हैं? जोया को बुलाएं, आ जाओ जोया, जोया आ जाए, जोया आ जाए, आ जाए जोया। यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए, जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, पुलाव के लिए हम प्याज लाइट ब्राउन ही रखते हैं क्योंकि पुलाव का कलर फेड हो जाता है। चिकन ऐड करेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तो साथ ही हम इसमें थोड़े से आलू भी ऐड करेंगे, 2-3। मुझे आलू पसंद है इसलिए मैंने आलू डाले थोड़े से। ये हमारी चिकन अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले पुलाव मसाला डालूंगी मैं, उसके बाद थोड़ा सा साबित घर का मसाला डालूंगी, थोड़ा सा, अब हम टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर और साथ ही थोड़ी सी दही भी हम ऐड कर देंगे।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। सकते हैं ये हमारी चिकन पक चुकी है और हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई भी कर ली है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 2.5 गिलास चावल लिए हैं तो हम 5 गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें। ओके, बॉयल आ चुका है पानी में। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसको पकने के लिए जब इसका थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब हम इसको दम पे रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, अब हम इसे दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सकते हैं आप, हमारा पुलाव रेडी हो गया। कैसे खिले खिले चावल बने। यहाँ पे चने की चाट भी हमने रेडी कर ली है। मेरे मियाँ जी भी काम से आ चुके हैं और नातों के फ्रेश भी हो गए। कैसा गुजरा आज का दिन आपका? चार होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, आधा घंटा। हम अब चीज़ें फ्राई करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने पहले समोसे फ्राई करने ही रखे हैं और यहाँ पे मैं ये पोटैटो बॉल्स फ्राई करूँगी और फिर पकौड़े बनाएंगे और ये रोल भी फ्राई करेंगे। टैंग भी हमने रेडी करके रख लिए है। ये खजूरें भी मैंने डाल के रख दी हैं और ये चने चाट के ऊपर डालने के लिए पापड़ी भी मैंने डाल के रख दी है। दस्तरखान हमने लगा लिए है। हमारे मेहमान आ चुके हैं। अब आमना को आते ही मैंने काम पे लगा लिए। आमना को पकौड़े फ्राई करने के लिए दिए, आधे तो मैंने कर लिए, थोड़े से रहते थे। बाकी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह, आज मेरी भतीजी ने पहला रोज़ा रखा है। सोया, आपको पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मेरी भतीजी का पहला रोज़ा है। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।